चीन अपनी नापाक चालों से बाज नहीं आ रहा है। कभी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश तो कभी हिंद महासागर में अटैक रणनीति अपनाना चीन का नया पेशा बन गया है। इस कारण भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आ गया है। भारत के विरोध के बावजूद चीन की संसद ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने संबंधी 14वीं पंचवर्षीय योजना को गुरुवार को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि यह परियोजना अरबों डॉलर की है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने गुरुवार को इस परियोजना को मंजूरी दी। 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर बांध बनाया जाएगा, जिसका भारत और बांग्लादेश ने विरोध जताया है। भारत सरकार ने लगातार चीनी अधिकारियों को अपने विचारों और चिंताओं से अवगत कराया है। भारत ने चीन से आग्रह किया है कि चीन की गतिविधियों से भारत के हितों को नुकसान न पहुंचे। संसद के इस सत्र में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली विंग्स और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने के बाद चीन भारत पर मानसिक दबाव बना सकता है और जरूरत पड़ने पर नदी के पानी को रोक सकता है।